नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर, डिजिटल मार्केटर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि रीप्रोसेस टी क्या होता है और इसे कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों जब चाय फैक्ट्रियों में बनती है तो बनने के दौरान फैक्ट्रियों में बहुत धूल होता है। चाय बनने के प्रोसेस में बहुत सारे डस्ट एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, चाय के पत्ते के। तो वो डस्ट क्या होता है, सभी जगह बिखरे हुए होते हैं, टेबल पे और जो फर्श पे सभी जगह बिखरे पड़े होते हैं। तो क्या होता है, जब काम ख़त्म हो जाता है तो उन डस्ट को झाड़ू मार मार के एक जगह इकट्ठे करके उसको बैग में भर दिया जाता है, भर के किसी एक खाली जगह में रख दिए जाते हैं, ठीक है। और ये फिर इकट्ठा होता रहता है क्योंकि रोज़ काम होता है, रोज़ धूल उड़ते हैं चाय बनने के, तो वो जो धूल है वो बैगों में भर भर के रोज़ ऐसे ही इकट्ठे कर दिए जाते हैं। और जब प्राइम सीजन होता है चाय बनने का, जैसे फर्स्ट फ्लश, फिर सेकंड फ्लश, फिर रेनी फ्लश, फिर ऑटम फ्लश, तो उन समय इन इन धूल को, इन डस्ट को एक जगह में रख दिया जाता है। और जैसे ही चाय का सीज़न एंड होने को होता है तो क्या होता है कि अब फैक्ट्रियों की साफ़ सफाई होते हैं, जितने भी कचरा वगैरह है, जितने भी डस्ट वगैरह है, मैंने उन लोगों की सबकी साफ़ सफाई होती है। तो ये जो डस्ट जो बैग बनाकर रखा गया था 3-4-5 महीना पहले, 2-3 महीना पहले, जब फैक्ट्री बंद होने पे होती है, चाय का सीजन जब ख़त्म हो जाता है, तब क्या होता है कि इन डस्ट को जो बैग में भर के रखा गया था, इन धूलों को फ्लोर पे फिर से ढाल दिया जाता है ताकि उनसे कुछ ना कुछ इनको मॉनेटरी बेनिफिट हो जाए। तो अब ये जो धूल है तो चाय से कैसे बनेगी, तो बने इसको फिर से प्रोसेस करने के लिए, इसको फिर से चाय बनाने के लिए, चाय के दाने बनाने के लिए इन लोग क्या करते हैं, वो जो डस्ट है ना, वो डस्ट को पूरा गीला करते हैं, पानी मार मार के इन लोग गीला करते हैं। गीला करके क्या होता है दोस्तों, इन लोग वो जो आटा जैसा बन गया है लोग ये रोटर वैन में डालते हैं। रोटर वैन में डालने के बाद वो बोगी में जाते हैं, बोगी में जाने के बाद वो चाय के दाने के शेप को होते हैं, फिर उनका फर्मेंटेशन होता है, फिर उनका ड्राइंग होता है और ऐसे फिर चाय बन के आपके सामने तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो चाय बनके तैयार हो गया, लेकिन इस चाय में क्या होता है ना, ये तो एक्चुअली बेकार चाय है जो कुछ महीनों पहले से रखी गई थी। तो ना इस चाय में लीकर होता है ना कुछ होता है, सिर्फ देखने में आपको प्राइमरी चाय जैसे लगेगी, लेकिन एक्चुअली ये प्राइमरी चाय होती नहीं है, इसको रीप्रोसेस चाय बोलते हैं, इसमें लीकर वगैरह कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये चाय सस्ते दामों में बिकते हैं, कम दामों में बिकते हैं, तो आप एडी प्रोसेस चाय का व्यापार ना करें, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। अब जब भी बिजनेस करें, अच्छे चाय को लेके बिजनेस करें, ठीक है, ताकि आपका जो बिजनेस है उसका लॉन्गेविटी बढ़े और लोग आपको मतलब एक अच्छा चाय का विक्रेता बाजार में समझे आपको। तो ये रहा रीप्रोसेस चाय। तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया चाय उपलब्ध होता है, चाहे वो सीटीसी लीफ हो या दार्जिलिंग लीफ हो या ग्रीन टी हो, सभी तरह के चाय हम लोग के यहाँ उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाय, अच्छी चाय अगर परचेस करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़े, हम लोग आपको बढ़िया से बढ़िया चाय प्रोक्योर करने में आपको मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।